चार हित चंडीगढ़, मोहाली व पंचकुला में बुधवार को एक साथ मेगा मॉक ड्रिल करवाई गई। इस मेगा मॉक ड्रिल का मकसद लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के समय खुद का बचाव कैसे करें व दूसरों की सहायता किस तरह से की जा सकती है, इस विषय पर जागरूक करना था। मंगलवार को मेगा मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया गया। अशोक कुमार ने बताया कि पंचकुला सेक्टर 6 में वह मेगा मॉक ड्रिल के इंचार्ज थे और वहां पर मेगा मॉक ड्रिल सफल रहा व लोगों का भरपूर समर्थन मिला। इसके लिए हमने पूरे तैयारियां की हुई हैं, फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस, पब्लिक हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, सब डिपार्टमेंट मिलकर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं कि यदि खुदा न खास्ता कभी कोई आपदा आती है प्राकृतिक, तो उसके लिए हम पहले से तैयार हों और सारा प्रशासन मिलकर पब्लिक के लिए रिलीफ का काम करें। तो सर मॉक ड्रिल कहाँ कहाँ की जा रही है? मॉक ड्रिल पंचकुला में 15 जगह है, जिसमें से ये भी एक जगह है। वहाँ 10:30 बजे सबकी इकट्ठी शुरू की जाएगी। इस दौरान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के मेंबर हर्ष गुप्ता ने बताया कि इस मेगा मॉक ड्रिल में बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि यह मॉक ड्रिल इसलिए भी करवाई गई ताकि भूकंप के प्रभाव के समय सूझबूझ से बचाव कार्य किया जा सके। हिमालय रीजन में भूकंप आते रहते हैं और 1950 के बाद से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, तो करीब 63 साल गुजर गए हैं और ऐसा अनुमान है कि एक बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है। पहले जो यहाँ पर बड़े भूकंप आए हैं उनमें हज़ारों लोगों की जान गई हैं, तो हम भूकंप को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और उनको प्रिवेंट भी नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा काम जो है उनको बचाने के लिए कि हम अर्थक्वेक रेजिलिएंट सोसाइटीज़ डेवलप करें। हम सबको ये समझ में आए कि अर्थक्वेक आने पर हम कैसे अपना उसका बचाव कर सकते हैं, तो उसी को ख्याल में रखते हुए NDMA ने एक हाइपोथेटिकल एक्सरसाइज करी है। इसमें ऐसा माना गया है कि एक 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप मंडी के पास आएगा। आप ये भी समझ लें कि ये भूकंपों का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, जो एक 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप होता है उसमें इतनी एनर्जी होती है जितनी कि हिरोशिमा बॉम्ब में थी, और 6 से 7 में गए तो 30 हिरोशिमा बॉम्ब, ऐसे भूकंप पहले आ चुके हैं। सो अगर ऐसा भूकंप यहाँ पर आता है तो उससे कितनी इंटेंसिटी होगी, उस इंटेंसिटी के बेसिस पर कौन से एरिया प्रभावित होंगे और वहाँ पर क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है और क्या टाइपोलॉजी है, मकान कैसे बने हुए हैं, उसके हिसाब से हम ये प्रयत्न करते हैं पता करने का कि कितने मकान गिर जाएंगे और कितनी कैजुअलिटीज हो सकती हैं और फिर उसको हम कैसे बचाएं। कि जापान वगैरह में जब भूकंप आते हैं तो अधिक लोग नहीं मरते। अभी एक भूकंप आया था उसमें लगभग 3 लाख लोग मरे, हेती में भूकंप आया था, आपने सुना होगा उसके बारे में, और वो भूकंप सिर्फ 7 मैग्नीट्यूड का था। इसके बाद मैक्सिको वगैरह में जब इतने बड़े भूकंप आते हैं कोई नहीं मरता, तो अगर जापान की बात ना करें हम कम से कम मैक्सिको जैसी स्थिति यहाँ ला सकते हैं, और वो काम जो है चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे को उम्मीद है कि जिस तरह की हमने एक्सरसाइज करी है, आपने सबनों ने देखा कि हमने जो है हर एक 15 जगह चुनी है जहाँ पर एक्सरसाइज रिपीट करी गई है, लोगों को बताया गया है, आपको दिखाया है कि NDRF कैसे काम करता है। ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट से कि वो अपने SDRF डेवलप करें, तो ये हमारी सारी प्रतिबद्धता है कि हम भूकंपों से कैसे बचें। वहीं पंचकुला की DC आशिमा बराड ने बताया कि मेगा मॉक ड्रिल पंचकुला में 15 जगहों पर की गई है। वहीं इसमें 1500 कर्मचारियों ने अपना सहयोग दिया, जिसके लिए उन्होंने सबकी सराहना की व अपना धन्यवाद प्रकट किया। इस बात की खुशी है कि एक तो स्मूथली हुआ, सेकेंडली जो सिनारियोज दिए गए मौके पे हमारे अधिकारियों ने बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा के ये कोशिश की कि और सफलतापूर्वक करा भी कि उन सिनारियोज को कैसे टैकल किया जाए। जैसे कि एकदम से यदि कोई मेन रास्ता बंद हो जाता है तो ऐसे में क्या किया जाए, या फिर एम्बुलेंस मान लीजिए कम है और एकदम से बहुत ज़्यादा विक्टिम्स हैं, ऐसे सिनारियों में क्या किया जाए। तो इस प्रकार से बहुत से सिनारियोज दिए गए और हमारे ऑफिसर्स ने उनको मौके पे ही बहुत सफलतापूर्वक मेहनत से किया, क्योंकि बहुत सारी रिहर्सल्स की गई थी इसलिए बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। और कोई एक्चुअल इंसिडेंट यानी कि कोई कैजुअलिटी, कोई इंजरीज वगैरह इस प्रकार की बिल्कुल भी नहीं हुई, तो मैं मानती हूँ कि हमारा जो ऑपरेशन था बहुत ही सक्सेसफुल था और इसका मैं श्रेय अपने सभी अधिकारियों को देती हूँ जो इस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज में रहे। तो ऐसी मॉक ड्रिल एक्सरसाइजेस अब समय समय पर हम करते रहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मेगा मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य ट्राई सिटी के लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु जागरूक करना था और यह मॉक ड्रिल पंचकुला, मोहाली व चंडीगढ़ में सफल भी रही।
ब्यूरो रिपोर्ट रूबरू टुडे।